वीजा एक्सपर्ट्स। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वीज़ा एक्सपर्ट। दोस्तों, पुर्तगाल का वर्क परमिट है फ्रॉम दुबई से, डिटेल बताऊंगा इस वीडियो से मैं आपको, क्योंकि इंडिया से अभी जो वर्क परमिट लग रहे हैं बट इतना उनका रेशियो नहीं है निकल रहा वीज़ों का, ठीक है। दुबई से 100% रेशियो है, यानी कि 99.9% दुबई से वर्क परमिट का रेशियो निकल रहा है, तो डिटेल बताऊंगा इस वीडियो में, मेरे साथ बने रहिए। पुर्तगाल का दोस्तों वर्क परमिट है टिल पीआर प्रोसेस, तो टोटली पैकेज होगा इसमें, टीआरसी होगी, टी टैक्स कार्ड होगा और पीआर प्रोसेस होगा, पासपोर्ट प्रोसेस होगा, टोटली प्रोसेस होगा। तो स्टार्टिंग दोस्तों प्रोसेस ऐसा है कि यहाँ से आपका दुबई का वीज़ा निकलेगा, उसके बाद दुबई की टिकट होगी, तो आप जब दुबई में जाओगे तो कुछ अमाउंट एडवांस में आपको देनी होगी, तो कुछ अमाउंट बाकी एडवांस जो होगी आफ्टर वीज़ा पेमेंट होगी, ठीक है। जब आपका पुर्तगाल का वीज़ा पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप हो जाएगा तब आपने पेमेंट करनी होगी। तो दोस्तों इसका प्रोसेस है, दुबई में आपका जो होता है रेजिडेंसी, वहाँ पे जो होता है वर्क परमिट करवा के देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपकी सैलरी वगैरह पड़ती है अकाउंट में आपका, वहाँ पे रेजिडेंसी परमिट बनता है, एमिरेट्स आईडी बनती है, और जो प्रोफेशनल उस पर होता है वीज़ा वो बनेगा। तो आपको अगर 3 से 4 महीने का दोस्तों प्रोसेस टाइम होगा, अगर उसके बीच बीच में आपको जॉब चाहिए जॉब भी प्रोवाइड होगी, फूड एंड अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द हम करेंगे, आपको कंपनी करेगी जो हमारी कंपनी है, और रहने का और खाने का कोई टेंशन नहीं है वहाँ पे, काम भी आपको जॉब भी प्रोवाइड हो जाएगी जिसमें कि आप 1200 आप 1000 से 1200 सैलरी अर्न कर सकते हो, अपना खर्चा निकाल सकते हो। तो 3 से 4 महीने का प्रोसेस टाइम है, जब आपका फिंगर वगैरह हो जाएंगे, आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी, जब आपका वीज़ा आ जाएगा तब आप अपना वीज़ा टाइम पे आप पेमेंट कर सकते हो, उसके बाद टिकट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। पुर्तगाल का वर्क परमिट होगा, वहाँ जाएंगे जब आप, उसके बाद आपका 15 से 20 दिन में आपका टीआरसी कार्ड बनेगा, 6 महीने के अंदर अंदर आपका टैक्स वाला कार्ड बन जाएगा, 2 साल के अंदर अंदर आपको जो पीआर, 2-2.5 साल के अंदर परमानेंट रेजिडेंसी जो होगा, प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, एलिजिबिलिटी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी पुर्तगाल के लिए अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि अभी 5 से बाद दुबई की फ़्लाइट शुरू हो जाएंगी, बाकी वीज़े तो कोई दिक्कत नहीं है, वीज़े आ रहे हैं, तो जो फ़्लाइट्स हैं वो 5 के बाद शुरू हो जाएंगी, फिर हम जो सब जाने लग जाएंगे। तो कोई भी अगर पुर्तगाल के लिए अप्लाई करना चाहता है, वर्क परमिट है, देखिए जो सैलरी होती है पुर्तगाल में रहेगी 800-700, डिपेंड ऑन एक्सपीरियंस, अगर बंदा एक्सपीरियंस है 900 यूरो उनकी बन जाती है, अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसकी 600-700 यूरो बनती है, ठीक है सैलरी, बाकी अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश कितनी उनको परफेक्ट है, बाकी डिपेंड करता है काम के ऊपर, काम कौन सा है, कौन सा प्रोफेशन है आपका, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पुर्तगाल का यही होता है, बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, वहाँ जाके पेपर बन जाए और बंदे को पासपोर्ट मिल जाए, फिर तो काफ़ी चीज़ें जो कंट्रीज़ ऑन अराइवल हो जाती हैं, काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिसमें आप ETA वीज़ा लेके जा सकते हो, विदाउट वीज़ा जा सकते हो, ऑन अराइवल जा सकते हो, कन्फर्मेशन वीज़ा लेके जा सकते हो, तो यही पुर्तगाल की बहुत बड़ी चीज़ है। तो कोई भी अगर पुर्तगाल के वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहता है फ्रॉम दुबई से, तो कॉन्टैक्ट कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, बाकी अगर आपको कुछ नहीं समझ लगे तो कॉल और व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।